महानायक लीजिए प्रस्तुत है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित विश्वास पाटिल के सुप्रसिद्ध उपन्यास महानायक पर आधारित रेडियो नाट्य धारावाहिक। नाट्य रूपांतरकार हैं मनोज भटनागर, संगीतकार हैं उस्ताद इकबाल अहमद खान, निर्माता और निर्देशक हैं वीरेंद्र शर्मा। तो लीजिए सुनिए धारावाहिक महानायक की 10वीं कड़ी। विदेशी भूमि से भारत की आजादी का अभियान छेड़ने की सुभाष बाबू की अधीरता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। पूर्वी एशिया से इस संबंध में ज्यादा सहानुभूति भरे समाचार नहीं मिल रहे थे। ऐसे में पश्चिम की तरफ प्रस्थान करना ही उचित समझा जा रहा था, पर ऐसा हो तो कैसे हो? युद्ध से त्रस्त ब्रिटिश सरकार सुभाष बाबू यानी साम्राज्य के सबसे बड़े शत्रु की गतिविधियों पर गिद्ध जैसी नजर लगाए बैठी थी। पर कहते हैं ना, हिम्मते मर्दा मद दे खुदा। सुभाष के हाथ अपने अफगान साथियों की मदद से एक रात ये मौका आ ही गया। 16 जनवरी 1941। कब फेंट होगी रे, कितने दिन कितने वर्ष लग जाएंगे? मेज़दा, मातृभूमि के पांव में पड़ी गुलामी के जंजीरें जंग खा गई हैं। इस गुलामी की व्याधि खत्म होने में किसे पता कितने दिन लग जाएंगे। लेकिन दादा, दुख मुझे इस बात का है कि मेरे लिए आपने क्या क्या कष्ट नहीं सहे। राजा, अपनी वकालत का सत्यानाश कर लिया, मंच पर मुझे धकेल कर जीवन भर पर्दे के पीछे अंधकार को ही अपनाया आपने दादा। इस पागल सुभाष के लिए आपने क्या कुछ नहीं किया। जाने देना, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई। कैसे जाने दूं दादा, कैसे जाने दूं? भाई तो सभी के होते हैं, परंतु भाई के रूप में देवता मेरे सिवाय और किसके भाग्य में रहा होगा। हाँ मिस्दा, सुभाष मिस्दा। सुभाष बाबू का गंतव्य तो था रूस, परंतु परिस्थितियों ने कुछ ऐसा मोड़ लिया कि काबुल में जर्मन राजदूत पीलगेर की मदद से सुभाष बाबू रूस न जाकर बर्लिन जा पहुंचे। वहां सुभाष बाबू के स्वागत के लिए उनके पूर्व परिचित डॉक्टर धवन और डॉक्टर मूलचरस उपस्थित थे। डॉक्टर धवन उस समय जर्मन सरकार के लिए गुप्तचर का काम कर रहे थे। फ्यूरर हिटलर का आदेश था कि सुभाष बाबू को एक राजदूत की तरह ही राजकीय सम्मान दिया जाए। उनके लिए होटल एस्प्लेनेड में राजसी व्यवस्था की गई थी। सफर की थकान उतारने सुभाष बाबू लेटे ही थे कि हवाई हमले की चेतावनी का सायरन बज उठा। ऐसे ही सायरन ने वियना के आकाश को भी गुंजायमान कर दिया था। वियना सुभाष बाबू की अभिन्न मित्र या यूं कहें प्रियसी फ्राउलिन एमिली का निवास स्थान। हे प्रभु, फिर बमबारी। पहले जर्मन थी, अब अंग्रेज। क्यों नहीं ये लोग हमको शांति से जीने देते? जल्दी से दरवाजे बंद करो। ओह, अब ये नाची बला यहां क्यों आ टपकी? दरवाजा तो खोलना ही होगा। जी कहिए। फ्राउलिन एमिली। जी हाँ, आप गेस्टापो।
हमें अभी आपको बर्लिन ले जाने का आदेश मिला है। पर मेरा अपराध? वो हमें नहीं मालूम। शायद विदेश मंत्रालय के इस लिफाफे से कुछ मालूम हो पाए। हे प्रभु, आप कितने दयालु हैं। माँ, माँ, क्या, क्या, क्या हुआ है मिले? सब ठीक है ना? माँ, माँ, वो आ गए। वो कौन? मेरी जान, मेरे सब कुछ। God bless you, my child. God bless you. भगवान रक्षा करे तुम्हारा। किस्टापो, कब चलना है? जितना जल्दी हो सके। बस तुम्हारी यही सहजता, सरलता तुम्हें एक एक्सेप्शन, एक अपवाद बना देता है एमिली। इसीलिए मैं तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्यार करता हूं। अरे ये क्या, खुद को विवेकानंद का शिष्य कहते हैं और ये हरकत, सीक्रेट? तुम जानती हो फ्राउलिन एमिली कि तुम किससे बात कर रही हो? क्या मतलब? आई एम ऑरलैंडो मैजूटा, एक इटालियन भद्र पुरुष। रूस से जर्मनी तक की यात्रा में अपने को छिपाए रखने के लिए मुझे यही रूप धरना पड़ा। फिर धूम्रपान और मदिरापान तो करना ही था। पर सच बताऊं एमिली, मुझे किसी भी मदिरा की आवश्यकता नहीं है। ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध का नशा मेरे अंग अंग में इतना बस गया है कि उसे उतारने के लिए मुझे एक सेना ही खड़ी करनी होगी। और रूस? रूस से मदद पाने के लिए मैंने कितने ही पापड़ बेले। वहां के कुछ चड़बुद्धि प्रशासकों को यह भ्रम है कि मैं ब्रिटेन का एजेंट हूं। सुभाष, आपको तो शायद मालूम ही होगा, यहां जर्मन विदेश विभाग ने हिंदुस्तान के लिए एक खास विभाग खोला है। वहां का सारा काम डॉक्टर अलेक्सेंडर रीथ और डॉक्टर एडम ट्रॉट संभाल रहे हैं। मुख्य हैं डॉक्टर वर्मन, आपको उनसे मुलाकात करनी चाहिए। यस, कम इन। डॉक्टर वर्मन, सुभाष चंद्र बोस। ओ, आइए आइए मिस्टर बोस, बैठिए। मैं आपकी इस मुलाकात का सही सही मकसद जानना चाहता हूं। कहते हैं कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है। ऐसे में मैं अपने गुलाम देश की आजादी के लिए आपकी मदद मांगने यहां बर्लिन में आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आपका स्वागत है मिस्टर बोस। कहिए, आप हमसे क्या चाहते हैं? मिस्टर बर्मन, आप मुझे सैन्य शक्ति दिलवाएं तो मैं हिंदुस्तान में क्रांति लाने का चमत्कार कर दिखाऊंगा। मेरे आह्वान पर सिर्फ मेरे देश की जनता ही नहीं बल्कि ब्रिटिश हिंद फौज के जवान भी बगावत का बिगुल फूंक देंगे। आधुनिक हथियारों से लैस सिर्फ 50,000 की फौज बनाने में मेरी मदद करें मिस्टर बर्मन, मैं ब्रिटिश साम्राज्य को बिखेर कर रख दूंगा। और आप यहां जर्मनी में एक अस्थायी आजाद हिंद सरकार स्थापित करने की इजाजत दें। सरकार की स्थापना के लिए आप लोग कहां से लाएंगे? जर्मनी में ऐसे कितने हिंदुस्तानी होंगे? सिर्फ 39। फिर भी आप इतनी ऊंची उड़ान भरने की सोच रहे हैं? मिस्टर बोस, ये सब इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है। जर्मन सरकार ने आपका व्यक्तिगत खर्चा खुद उठाने का निर्णय लिया है। फिलहाल तो मेरी यही राय है कि जब तक आगे की दिशा निर्धारित नहीं कर ली जाए, आप ऑरलैंडो मैजूटा का ही मुखौटा पहने रहें। एमिली, वक्त बीतता जा रहा है लेकिन कोई ठोस बात होती नजर नहीं आ रही। बस आश्वासन ही आश्वासन मिल रहे हैं। तो आप सीधे हिटलर या मुसोलिनी से ही क्यों नहीं मिल लेते? इतना आसान है क्या?
दोनों ही बुरी तरह लड़ाई में उलझे हुए हैं, मिलना चाहकर भी मिल नहीं पा रहे हैं। और फिर यहां भी तो विभिन्न मंत्रालयों के बीच अंदरूनी संघर्ष जारी है। विदेश मंत्रालय कुछ कहता है तो प्रचार तंत्र कुछ और ही बोल पड़ता है। मैं देखती हूं। ओ, मिस्टर अलेक्जेंडर रीथ, आप इतनी रात गए? मिस्टर बुश, हाय। हाँ, आइए आइए। मिस्टर रीथ, आप इस वक्त? बधाई हो मिस्टर बोस। परसों यानी 29 अप्रैल 1941 को जर्मनी का विदेश मंत्री रिब्रेंट्रॉप से आपका मुलाकात तय हो गया है। कब? कहाँ? यहाँ नहीं, आपको वियना जाना होगा। विदेश मंत्री आजकल वही डेरा जमाया बैठा है। मिस्टर रिब्रेंट्रॉप, हिंदुस्तानी जनता का मन ब्रिटिश विरोध से लबालब भरा पड़ा है। जर्मनी जैसा देश अगर मजबूती से हमारी पीठ पर हाथ रख दे तो हम मुट्ठी भर ब्रिटिश फौज को नाकोचने चबवा देंगे। विदेशी सहायता मांगने के लिए आपने जर्मनी को ही क्यों चुना मिस्टर बोस? जर्मनी और रूस के बीच हुई संधि से हिंदुस्तान की जनता आनंद का अनुभव करती है मिस्टर रिब्रेन। मेरे जैसे राष्ट्र प्रेमियों को लगता है कि ये ब्रिटेन के विनाश की संधि है। जापान के बारे में आपका क्या ख्याल है? उनकी ब्रिटेन विरोधी भूमिका का भारतीय जनता स्वागत ही करेगी। जापान जल्द ही सिंगापुर के तट पर उतरने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो ब्रिटेन दो पार्टों के बीच दबकर रह जाएगा, जर्मनी और जापान। जर्मनी से आपको ठीक ठीक क्या अपेक्षा है? हमारे प्रचार कार्य के लिए एक खास रेडियो स्टेशन की व्यवस्था की जाए। अस्थाई सरकार की हमारी मंशा को जर्मनी का समर्थन मिले। इसके अलावा जल्दी से जल्दी एक फौज खड़ी करके मुझे लड़ाई के मैदान में उतरना है। लेकिन इस सबसे पहले मेरी सबसे जरूरी मांग को पूरा किया जाए। वो क्या मिस्टर सुभाष? महायुद्ध में जर्मनी को अंतिम विजय मिलते ही हिंदुस्तान को आजाद करने का ऐलान आप अभी कर दें। मिस्टर बोस, जर्मनी इस वक्त लड़ाई में बहुत बुरी तरह उलझा हुआ है, फिर भी मैं आपकी मांगों पर आत्मीयता से विचार करूंगा। हाँ, जहां तक रेडियो स्टेशन की बात है, उसे फौरन अमल में लाया जा सकता है। आजाद हिंद कॉलिंग, आजाद हिंद कॉलिंग। गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी देख हिंदुस्तान की। मेरे हिंदुस्तानी नागरिकों, मैं सुभाष चंद्र बोस बोल रहा हूं। ब्रिटिश साम्राज्य की आंखों में धूल झोंक कर मैं हिंदुस्तान से निकल आया हूं। पर बंधुओं, थोड़ी प्रतीक्षा करें, उचित समय आते ही मैं झंझावात की तरह हिंदुस्तान की सरहद पर प्रकट होऊंगा। बंधुओं, श्रद्धा रखें मातृभूमि के कीर्ति ध्वज पर। हम मतवाले हिंदुस्तानियों की फौज हिंदुस्तान के ब्रिटिश अत्याचारियों पर जल्दी ही टूट पड़ने वाली है। उत्तरी अफ्रीका में फील्ड मार्शल रोमेल के साहसपूर्ण अभियान की वजह से हिंद ब्रिटिश सेना की तीसरी मोटर ब्रिगेड के साथ ही और भी बहुत से युद्ध बंदी जर्मनी के हाथ लगे थे। उन्हीं कैदियों में से 20-25 को डॉक्टर धवन और अलेक्जेंडर रीथ त्रिपोली से बर्लिन ले आए थे। लगभग 15,000 युद्ध बंदियों को एनाबग में रखा गया था। इन्हीं युद्ध बंदियों को अपना सैनिक बनाने को सुभाष बाबू आतुर थे, पर कोई भी सैनिक ये मानने को तैयार नहीं था कि जर्मनी में उपस्थित सुभाष चंद्र बोस असली सुभाष चंद्र बोस हैं। इस भ्रम को दूर करने के लिए कैंप में ही स्थित एक छोटे से थिएटर में सुभाष बाबू के भाषण का आयोजन किया गया। कई युद्ध बंदी वहां मौजूद थे। आए आए जर्मनी के एजेंट, अरे आए, 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 आए। नाजियों के दलाल, अरे आए हैं बनके कांग्रेस वाले सुभाष। चलो हटो, हमारे सुभाष यहाँ पिंजरा पोल में क्या लेने आएंगे? फिट यहाँ से
नेताजी बनने आया है। नकली सुभाष मुर्दाबाद, नकली सुभाष मुर्दाबाद। सुनो मेरे देश बंधुओं, सुनो, कुछ तकनीकी अड़चनों की वजह से मुझे अब तक का वक्त जर्मनी में छद्म वेश में गुप्त रहकर बिताना पड़ा है। यकीनी तौर पर वो सुखदायक नहीं था, पर वो सब अब खत्म हो गया है। आओ हम एक होकर आगे बढ़ें, हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपनी नई फौज बनाएं, ब्रिटेन को नेस्तो नाबूद कर दे। भाइयों, आजादी संघर्ष करके ही मिलती है। आजादी ना तो दान में मिलती है, ना किसी की मेहरबानी से। आजादी की कीमत अदा करो, और वो कीमत है वीर सैनिकों का लहू, सिर्फ लहू। नेताजी, मैं 11वें घुड़सवार दल का मंजीत सिंह आपके लिए और अपने देश की आजादी के लिए तैयार हूँ। ओए मंजीत, तू पागल हो गया है? ये हिटलर का ही कोई एजेंट है? हाँ, एजेंट है। अरे जाहिलो, और जिसे तुम हिटलर का एजेंट समझ रहे हो वो दुश्मन का एजेंट नहीं, बल्कि सचमुच अपने सुभाष बाबू हैं। पर तुझे कैसे पता, और पहले पहचाना क्यों नहीं? ओ इनका बदला रूप देखकर। पर आवाज, ओ आवाज तो नहीं बदली ना। तुम सब चाहो तो मैं गुरु ग्रंथ साहब की कसम खाकर कह सकता हूँ, हरिपुर में मैंने इनका 3 घंटे का भाषण मंच के ठीक पास बैठकर सुना था। और अगर ये सुभाष बाबू ना हुए तो मेरा सिर काट कर बैरक से बाहर फेंक देना। अरे खुद सोचो, कोई दुश्मन का एजेंट होता तो हमारे हो हल्ले से डरकर कब का भाग गया होता। और ये तो सुभाष बाबू का ही दम है जो जान की परवाह ना करते हुए यहाँ डटे हुए हैं। ओए अगर ऐसा है तो अनाबर्ग की इस छावनी में एक पूरी रेजिमेंट मौजूद है जो इनके साथ है। शिवाजी के मावलों को आज नए सिरे से ये बताने की जरूरत नहीं है कि अपनी मातृभूमि से जी जान से प्रेम कैसे किया जाता है। जब मैं अंग्रेजों के हाथों से छिटक कर हिंदुस्तान से सही सलामत निकल आया था तो पता है भाइयों किस किस स्मृति मुझे प्रेरणा दे रही थी? शिवाजी महाराज की। 57 के विद्रोहों में किले के प्राचीर से घोड़ा दौड़ाती हुई बाहर निकलने वाली झांसी वाली लक्ष्मीबाई हो, नाना साहब पेशवा हो, या फांसी के ध्वज दंड पर अपनी पवित्र देह का ध्वज फहराने वाले वीर तात्या टोपे, इन सबके माध्यम से हमें तुम मराठों ने ही तो प्रेरणा दी है। अब हमें आधी दुनिया को गुलामी की जंजीर में बांधने वाले फिरंगियों के साम्राज्य में पलीता लगाना है। चलो मराठा वीरों, उठो, आजाद हिंद फौज में दाखिल हो जाओ। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। नेताजी सुभाष चंद्र की जय। महात्मा गांधी की जय। नेताजी हमें मुक्त कराए। एमिली, मेरी हर सांस कह रही है महायुद्ध की इस जलती भट्टी से ही मुझे आजादी का सोना निकालना है। हाँ, कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। सिर्फ एक मांग के लिए कि हमारे देश की स्वतंत्रता के मामले में जर्मनी और इटली अपनी नीति घोषित करें। मैं महीनों से बर्लिन और रोम के कानों में चीखता आया हूँ। ओह, बार बार ये फोन का घंटी। मैं देखती हूँ। हेलो, हाँ बोलिए जी। ठीक है, मैं बोल देती हूँ। सुभाष, जापान की जनता ने जापान सरकार से आग्रह किया है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी वहां के लिए रवाना कर दिया जाए। इस बारे में जर्मनी में जापान के राजदूत ओशिमा तुमसे फौरन मिलना चाहते हैं। मिस्टर बोस, इनसे मिलिए, ये हैं हमारे मिलिट्री अटैची कर्नल यामामोटो। नमस्ते। अरे आप तो बहुत शुद्ध हिंदी बोल लेते हैं। जिस देश से मैत्री बढ़ाना हो उसकी भाषा सीखना आवश्यक होता है मिस्टर बोस। आपको ये जानकर खुशी होगी कि प्रथम महायुद्ध के वक्त से ही जापान में कार्यरत राजा महेंद्र प्रताप और रासबिहारी जैसे क्रांतिकारियों के नेतृत्व में जापान के कोबे
और नागासाकी जैसे शहरों से लेकर मलेशिया में इपो, पेनांग, सिंगापुर और बैंकॉक तक में भारत स्वतंत्रता संघ के कार्यालय खोलते जा रहे हैं और इन देशों में भारत की आजादी को समर्थन बढ़ता ही जा रहा है। ये तो बड़े गर्व की बात है। अच्छा ये बताइए मिस्टर बोस कि मान लीजिए कि कल जर्मन सरकार ने दास बिहारी को यहाँ आमंत्रित किया तो क्या आप उनके नेतृत्व में काम कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, राज बाबू तो पुराने और साहसी क्रांतिकारी हैं, वरिष्ठता का अधिकार तो उनको पहुंचता ही पहुंचता है। अच्छा मान लीजिए कि जापान ने राज बाबू को इधर ना भेजकर मुझे ही उधर बुला लिया तो? अरे हाँ ठीक, यही बात पूछने के लिए आपको यहाँ बुलाया गया है। तो पूछिए ना राजदूत महोदय, लेकिन पूछने से पहले ही मेरा जवाब भी सुन लीजिए। इतने अनुभवी और बुजुर्ग नेता के अधीन काम करके मैं स्वयं को धन्य ही मानूंगा। और तभी समाचार मिला कि जापान भी महायुद्ध में कूद पड़ा है, उसने पर्ल हार्बर को तहस नहस कर दिया। अब बारी थी पूर्वी एशिया में छाए ब्रिटिश साम्राज्य पर हमला करने की। 8 दिसंबर 1941 को मलाया में अलोर स्टार रेलवे स्टेशन पर हमला हुआ। अंग्रेजों की 15वीं पलटन वहां ब्रिटिश कमांड के आदेश के इंतजार में 20-30 घंटों से अटकी पड़ी थी, जिसमें मेजर मोहन सिंह भी थे। देखते देखते जापानी बम वर्षकों ने इलाके को तहस नहस कर डाला। देखा अकरम, एक भी ब्रिटिश हवाई जहाज हमारी मदद को नहीं आया। सच कहते हैं मेजर मोहन सिंह, मुझे नहीं लगता कि मैं अब आगे इन अंग्रेजों के लिए लड़ पाऊंगा। तो क्या बगावत करेंगे मेजर साहब? बगावत तो होगी ही अकरम, क्या पता मैं गुलामों का मुक्तिदाता भी बन जाऊं। बचिए मेजर साहब, बचिए, जापानी सिपाही हमारी तरफ आ रहे हैं, भागिए। भागने का कोशिश मत करना, तुम भागने का कोशिश मत करना। तुम ऑस्ट्रो एशियन है क्या? इंडो क्या? इंडो गांधी क्या? गांधी? मैं हिंदुस्तानी हूँ। हाँ, हिंदुस्तानी। इंडो का, गांधी का, हमारे दोस्त, हमारे भाई। दोस्त भाई? इन्हें ले चलो एफ किकान का मेजर फुजीवारा के पास। एफ किकान? ये एफ किकान क्या है? ये एक जापानी संस्था है जो जापान सरकार का समर्थन से हिंदुस्तान का आजादी के लिए सेना बनाता है। मेजर फुजीवारा इसमें मदद करता है। आपका कितना ही युद्ध बंदी इधर मौजूद है। मेजर मोहन सिंह, हम आपका बारे में सब कुछ जानता है। आपका और हमारा दुश्मन एक ही है। आपका देश तो हमारा बुद्ध का जन्मभूमि है। मेजर साहब, आप ही बगावत का नेतृत्व कीजिए, अपनी लीडरशिप में एक फौज खड़ा कीजिए। मेजर फुजीवारा, ये काम मुझसे नहीं होने वाला। पूर्वी एशिया के हिंदुस्तान के भाइयों की आजादी की उम्मीद को एक ही आदमी पूरा कर सकता है, वो जो अंग्रेजों की पूरी किलेबंदी को थत्ता बताकर जर्मनी जा पहुंचा है। आप चंद्र बोस की बात करता है? जी। अरे उनका तो हम कब से इंतजार करता है। हमारा राजदूत कई महीना से हिटलर से मांग कर रहा है कि उन्हें जापान भेज दिया जाए। मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों, क्या आपको ऐसा लगता है कि जापान ने आपको युद्ध बंदी का रूप में स्वीकार किया है? नो नो, नहीं नहीं, हम आपको युद्ध बंदी का तरह नहीं, अपने भाइयों की तरह स्वीकार किया है। हाँ, आपका वास्ते गुलामी का पिंजरा नहीं है, नहीं है हमारे पास। हाँ, आज से हम आपका तकदीर जनरल ऑफिसर कमांडिंग मोहन सिंह के हवाले करता है। यही आपके भाग्य का फैसला लेगा। मेजर मोहन सिंह आपको कुछ कहना चाहता है। मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, अंग्रेजों के लिए हमने अपना खून बहुत बहा लिया। आज से हम खून बहाएंगे तो सिर्फ अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए।
आज जापान जैसा ताकतवर मुल्क हमारी मदद को आया है, तो आइए इस मौके का फायदा उठाएं। सुभाष बाबू की आजाद हिंद फौज में शामिल होकर देश को आजाद करवाएं। मेजर साहब, हम आपके साथ हैं। मेजर साहब, अरे कैसी है आजाद हिंद फौज, ये तो जापानियों के हाथ में नाचने वाली कठपुतली होगी। हालात बदल चुके हैं शाहनवाज, मोहन सिंह हमारी ही यूनिट का है। देख, मेरे तेरे बीच मतभेद हैं तो होने दे, लेकिन आजाद हिंद फौज की स्थापना होनी ही चाहिए। किसके नेतृत्व में? जो हिंदुस्तान से हजारों मील दूर बैठा है वो सुभाष चंद्र बोस? आएंगे, वो एक दिन जरूर आएंगे, हिंदुस्तान की आजादी का परचम लहराने लाल किले पर। ये बात थी सन 1941 की। किसे पता था कि हिंदुस्तान की आजादी का परचम लाल किले पर कौन लहरा पाएगा? फिलहाल तो हिंदुस्तान की पूरी जनता और सभी नेता इस प्रयास में जुटे हुए थे कि हिंदुस्तान को जल्द से जल्द आजाद कराया जाए। इसी बीच ब्रिटेन की सरकार ने घोषणा की कि क्रिप्स मिशन भारत भेजा जाएगा। सुभाष, क्या सचमुच क्रिप्स मिशन का इरादा हिंदुस्तान को आजादी दिलाने का है? एमिली, अगर ऐसा होता तो दिल्ली तक दौड़ लगाने की क्या जरूरत थी? ब्रिटिश संसद में ही ये फैसला लिया जा सकता था। इस मिशन का मतलब और कुछ नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान की भोली भाली जनता और नेताओं की आंखों में धूल झोंकना भर है। इस मिशन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? लेकिन साथ ही ये भी स्पष्ट था कि जल्दी ही हिंदुस्तान को अंग्रेजों के चंगुल से आजादी नहीं मिलने वाली। प्रश्न सिर्फ ये था कि रास्ता हिंसा का अपनाया जाए या अहिंसा का। और इस प्रश्न का उत्तर भी भविष्य के पास ही था। महानायक, अभी आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित विश्वास पाटिल के सुप्रसिद्ध उपन्यास महानायक के रेडियो नाट्य रूपांतर की 10वीं कड़ी सुन रहे थे। भाग लेने वाले कलाकार थे राजेश काम्बोज, राजेश आहूजा, सुरजन सिंह, अश्वनी वालिया, प्रवीण शर्मा, सुचित्रा गुप्ता, सांगी रालते, रतनदीप दास, योगेंद्र टिक्कू और गौरव मारवा। रेडियो नाट्य रूपांतरकार थे मनोज भटनागर। ध्वनि अंकन रविंद्र सिंह राजावत। संगीत निर्देशक उस्ताद इकबाल अहमद खान। निर्माता और निर्देशक वीरेंद्र शर्मा। धारावाहिक महानायक की अगली कड़ी के साथ फिर भेंट होगी। नमस्कार।